दोस्तों आज हमारे पास है किया कैरेंस गाड़ी। आप लोग देख पाएंगे ये किया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और ये है आपका 7 सीटर वेरिएंट आपके सामने है। ये जो आपका मॉडल है ये है आपका लग्जरी प्लस IMT मॉडल है। इसमें आप लोग देखेंगे ऑटोमेटिक में आपको मिल जाती है। फीचर्स जाने क्या क्या हमको देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये है किया की गाड़ी है, ये आपको मिली कहाँ, अकबरपुर कानपुर देहात में। आप लोग इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे दूंगी, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं और यहाँ के विजिट करके आप लोग गाड़ी को देख भी सकते हैं। तो जानेंगे फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें मिलता क्या है। 1493 cc का इंजन मिल जाता है आपको, जिसमें आपको मिल जाएगी माइलेज है वो आपको 22 km पर मिलेगा। ये हमारा है डीजल वेरिएंट है आपका किया कैरेंस का। और इसमें अगर पावर की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगी 114 bhp की पावर मिलती है और आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गाड़ी में पावर भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है और स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। पूरी लग्जरी गाड़ी है इसीलिए इसका नाम लग्जरी आपको मिल जाएगा। और फीचर्स अभी इंटीरियर में आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें मिलते हैं, क्या क्या लग्जरीनेस है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और दिखाते हैं आपको गाड़ी का व्यू आपको क्या। तो ये है हमारे सामने देखिए किया की गाड़ी है, कैरेंस ब्लैक कलर है आपका, जो बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है यहाँ पे। और गाड़ी की लेंथ जो है वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल जाएगी, देख पाएंगे आप लोग। यहाँ पर ये आता है इसका प्रोफाइल जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो ये है और फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर बोनट है जो कि आपको मिल जाता है ब्लैक फिनिश में यहाँ पर, और किया का यहाँ पर लोगो मिलेगा सिल्वर फिनिश में। और इसकी जो ग्रिल आती है वो आपको मिल जाती है ब्लैक फिनिश में, यहाँ पर क्लोज में पूरा मिलेगा। और इस जगह आते हैं LED में आपको मिल जाते हैं DRLs, प्रोजेक्टर में आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे ट्रिपलेट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और ये आता है देखिए यहाँ पर ये आपको फॉग लैम्प है, ये भी आपको LED में यहाँ पर मिल जाएंगे। और फ्रंट में आपको यहाँ पर 4 सेंसर आपको देखने को मिलते हैं गाड़ी में। और जो ग्रिल है ग्रिल में देखेंगे इसका जो बम्पर आता है वो आपको यहाँ पर क्रोम कवर का साइड में आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और इसका जो साइड प्रोफाइल है वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो इसमें अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी में। और ये आएगा देखिए यहाँ पर अलॉय का लुक है, डुअल टोन में आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है किया का लोगो इस जगह देखने को मिल जाएगा। तो ये है और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाते हैं ORVM ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में है, विथ टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये है आपको डोर से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस जगह आ जाता है क्रोम फिनिश में डोर हैंडल आपको मिल जाता है। और ये क्रोम का स्ट्रिप है ये आपको साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगी गाड़ी में। और इस जगह भी आते हैं तो ये क्रोम फिनिश में डोर हैंडल आपको मिल जाएंगे। फ्यूल लिड आपको मिल जाती है यहाँ पर, 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी। और जो बैक का ग्लास है यहाँ पर ये देखेंगे काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर मिल जाता है व्यूज का, और क्रोम फिनिश यहाँ पर भी आपको मिलता है गाड़ी में। और ये आएगा अब देखते हैं जो रियर प्रोफाइल है गाड़ी का, तो ये आता है गाड़ी का रियर लुक आपके सामने यहाँ से देख पाएंगे। और ये है इसकी जो टेल लैंप है वो आप देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये है इसका टेल लैंप का व्यू, आपको LED में मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टॉप लाइट मिलेगी और यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग लाइट भी आपको मिल जाती है गाड़ी में। तो ये है, ये आपका बाकी नॉर्मल लुक है। बैक में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर डिफॉगर्स हैं, यहाँ पर वाइपर आपको मिल जाता है। और ये है आपका हाई माउंटेड स्टॉप लाइट यहाँ पर मिलेगा। सार्फिन में आपको रेडियो एंटीना अपर साइड में बैक में देखने को मिल जाता है। और गाड़ी का अगर हम लोग बूट चेक करते हैं यहाँ पर, तो बूट में देखते हैं हम लोग को कितना मिलेगा। यहाँ पर 192 लीटर का बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा खासा लगेज आप लोग यहाँ पर कैरी कर पाएंगे, ट्रॉली बैग आराम से आप लोग रख पाएंगे। और यहाँ पर 2 पार्टीशन है, अगर इसको इंक्रीज़ कर लेंगे तो यहाँ से इंक्रीज़ भी हो जाएगा। यहाँ पर बैक में आपको देखिए मिल जाएगा, यहाँ पर एक लैंप लाइट मिलती है। स्पीकर यहाँ पर भी आपको एक बैक में देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो सीट्स हैं ये आप लोग की बैंड भी हो जाएंगे। अभी अंदर चल के गाड़ी को आपको दिखाएंगे क्या क्या लुक मिलता है। और अपर साइड में बैक में है जो ये आपको क्लोज्ड में पूरा व्यू मिलेगा। एक ग्रैब हैंडल है आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी में। तो इसको करते हैं अभी क्लोज और बैक में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे 4 आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग के सेंसर हैं गाड़ी में, वो आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। अब चलते हैं ड्राइवर साइड अंदर देखते हैं क्या क्या लुक मिलता है। तो ड्राइवर साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट सेंसर है, डोर हैंडल में आपको मिल जाता है। और ये आता है इसका इंटीरियर का व्यू है जो कि ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है, डुअल टोन में आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आता है आपका लेदर फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है, कलर पीच कलर है, यहाँ पर भी आपको लेदर टच मिलता है। और इस जगह देखिए ये आपको मिलेगा यहाँ पर ब्लैक फिनिश, सिल्वर फिनिश
यहाँ पर आपको गाड़ी में मिल जाता है, ये लुक है पूरा। अनलॉक की बटन आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। बोस के स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के आपको स्पीकर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन है, लॉक अनलॉक का बटन है, ORVM ऑटो फोल्ड का बटन आपको मिलता है, और ये ORVM एडजस्ट की बटन आपको मिलती है। बॉटल स्टोरेज आपको यहाँ पर ट्रिपलेट में देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, और यहाँ पर भी आपको स्पेस देखिए मिल जाता है स्टोरेज जो है। और इंटीरियर का व्यू देखते हैं गाड़ी का, तो ये आएगा इंटीरियर का व्यू है आपका, मिल जाता है यहाँ पर। सीट्स आपको देखिए यहाँ पे मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं आगे, और सीट्स जो है यहाँ पे मैन्युअली आपको यहाँ पर ये फोल्डेबल आपको मिल जाती है। इंक्लाइनेशन में एडजस्टमेंट है, मैनुअल फोल्डेबल है। और गाड़ी में आपको मिलते हैं 6 एयर बैग देखने को मिल जाएंगे, जो कि सेफ्टी आपकी पूरी इसमें देखने को मिलती है। हेडरेस्ट है आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको गाड़ी में मिलेंगे। और चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ देखेंगे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये आपको लाइट्स का एडजस्टमेंट मिल जाता है। तो ये है पूरा लुक है, और ये देखते हैं अब इंटीरियर में क्या लुक आता है इसका, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आती है इसकी स्टेयरिंग का व्यू है, जो कि आपको यहाँ पर ब्लू फिनिश कलर में आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखेंगे वॉइस कमांड आपको मिलती है, मोड का बटन है, और यहाँ पे कॉल कनेक्ट स्टार फेवरेट का बटन आपको मिल जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल्स है यहाँ पर, किया का यहाँ पर सिल्वर फिनिश में लोगो आपको मिल जाता है, और ये सर्किल में क्रोम फिनिश का वर्क है। राइट साइड में आपको देखिए MID रीसेट की बटन है, और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है गाड़ी में। यहाँ पर आएंगे तो ये सिल्वर फिनिश मिलेगा, कैरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर मिल जाता है। और ये आती है यहाँ पर जो इसका स्टेयरिंग का कॉलम है, वो आपको मिलेगा टिल्ट में और टेलीस्कोपिक, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं स्टेयरिंग में। राइट साइड में आपको मिलेंगे लाइट्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, सामने आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, MID है। और ये लेफ्ट साइड में देखिए आपको मिल जाती है स्पीड, राइट साइड में आपको मिल जाता है RPM यहाँ पर। तो इतना कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। और आता है अब यहाँ पर गाड़ी का ये डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड का व्यू आपको ये मिलेगा यहाँ पर देखने को। यहाँ पर भी आपको एयर के फ्लो मिल जाता है, और ये आता है सामने आपका 10 इंच का टच स्क्रीन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर है, वो सारे आपको मिल जाते हैं। और स्मूथ देख सकते हैं आप लोग कितना स्मूथ है इसका जो टच स्क्रीन है, वो बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पर मिलता है। और जो इसके बटन है टच में आपको देखिए यहाँ पर बटन सारे मिल जाते हैं इसके कंट्रोल के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जगह आता है पार्किंग लाइट का बटन है, और AC के वेंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लुक मिलेगा। तो ये सिल्वर फिनिश पूरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और ये आता है यहाँ पर ब्लैक फिनिश में लुक है इस जगह। और फैन कंट्रोल है आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देख पाएंगे इसका से आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे और इसे बंद कर सकते हैं, AC ब्लोअर ऑन ऑफ यहाँ से कर पाएंगे। और इसके जो कंट्रोल्स हैं बटन, ये टच में देखिए बटन आपको सारे यहाँ पर मिलते हैं, कोई भी बटन टच करते हैं तो आप लोग यूज़ कर पाएंगे। सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इस जगह आता है एक ग्लव बॉक्स छोटा सा आपको मिल जाएगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आपको इजीली आप यहाँ पर रख पाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं तो सामने आपको मिल जाता है यहाँ पर USB पॉइंट, 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट है, और ये आपको Type-C का चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस जगह आपको मिलेगी देखिए यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग आपको मोबाइल में मिल जाती है। और ये देखिए बटन्स आपको मिलती हैं, ये हैं आपके यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स की, तो ये लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड का यहाँ पर ड्राइवर साइड के लिए मिलता है। ये हिल कंट्रोल भी देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं इसके, और पार्किंग मोड का जो बटन है वो आपको मिल जाता है। बटन प्रेस करेंगे तो आपका पार्किंग मोड है वो आपका एक्टिव हो जाता है, उसको प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। और ये है जो आपका AT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का आपको गियर मिलता है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेदर का कवर आपको यहाँ पर मिलेगा, सिल्वर फिनिश आपको साइड में यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे गाड़ी की अगर कीज देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए लॉक की, अनलॉक की बटन है, होल्ड की, और ये है बूट ओपनिंग के बटन है। होल्ड वाली ये बटन है, अगर आप लोग गाड़ी हीट हो जाती तो बाहर से ही आप लोग स्टार्ट कर देंगे प्रेस करके, तो आपकी गाड़ी की जो हीटिंग है वो या आगे अंदर आपकी AC स्टार्ट हो जाएगी, और ईजिली आप लोग वहाँ पर कूलिंग हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो वेट करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे कूल फीचर के साथ में। हैंड ब्रेक है वो आपको मैनुअल मिलेगा सिल्वर फिनिश में। आर्मरेस्ट आपको लेदर में मिल जाता है, और यहाँ पर स्टोरेज मिलेगा ये छोटा सा, इसको ट्रे हटा के यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है गाड़ी में। तो ये है स्पेशियस गाड़ी आपको मिलती है, बहुत ही प्यारा सा लुक है। बोस कंपनी के स्पीकर आपको यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अपर साइड में आपको मिल जाता है ये सन वाइजर विथ टिकट होल्डर है, और लेफ्ट साइड में सन वाइजर विथ वेंटी मिरर मिल जाता है। IRVM है आपको, ऑटो एडजस्टेबल यहाँ पर मिल जाएगा,
और अपर साइड में देखते हैं तो अपर साइड में यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए एक आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, यहाँ पर आपको एलईडी में लैंप लाइट दो मिल जाएंगी। और इसको देखते हैं तो ये आपका है, आपका यहाँ पे सनरूफ मिल जाएगा। तो इस बटन से आप लोग अगर इसको प्रेस करते हैं तो आपका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा, वन टच में ही आपका सनरूफ ओपन हो जाता है। और यहाँ से अबाउट 1 फीट के अराउंड जो है स्पेस आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसको करते हैं क्लोज अभी हम लोग, और साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पर एक ही आपको ग्रैब हैंडल छोटा सा देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो ये है कंप्लीट इंटीरियर है, जो लग्जरीनेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो इसके पैडल्स हैं वो आपको एक्सीलरेटर और जो आपका ब्रेक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी चलते हैं बैक वाली सीट में और चेक करते हैं वहाँ पर स्पेस हमको कैसा आता है, कितना देखने को मिल जाता है वो चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं बैक वाली सीट में और यहाँ पर देखेंगे जो बैक वाला डोर है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये भी आपको डुअल टोन में मिल जाता है यहाँ पर, और ये आता है ब्लैक फिनिश है, ये लेदर फिनिश आपको देखिए पीच कलर का वर्क यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है ये देखिए ग्रैब हैंडल, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है। इस जगह आपको मिलेगा सिल्वर फिनिश मिल जाता है, अनलॉक का बटन सिल्वर फिनिश में आपको मिलता है। और ये है मिरर के जो अनलॉक की बटन आपको मिलती है, यहाँ पर आपको स्पीकर मिलेगा, बॉटल स्टोरेज यहाँ पर 3 आपको मिल जाते हैं। और जो इंटीरियर का व्यू है तो यहाँ से देखेंगे ये आता है बैक वाली सीट का है, जो आपकी लग्जरी सीट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये आएगी देखिए स्वेट प्रूफ यहाँ पे बैक में मिलेगी, ये दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं दोनों साइड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैठ के देखते हैं स्पेस कितना है, तो ये देखेंगे आप लोग यहाँ पर स्पेस की कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी। और जो यहाँ पर है किंग सीट जिसे कहते हैं वो बैक में आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा एक टच स्क्रीन, जिसमें आपको देखिए आपको एयर प्योरीफायर वगैरह का जो कंट्रोल्स है, फिल्टर का, फैन मोड है, वो सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग बैक में बैठ के इंजॉय करना चाहते हैं ट्रैवल को तो आप लोग के लिए यहाँ पर सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है ये है देखिए एसी कंट्रोल्स जो मोड है वो आपको फ़ैन कंट्रोल के मोड यहाँ पर बैक में देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से भी आपका जो फ़ैन कंट्रोल है एसी कर सकते हैं, वो आपको एसी वेंट्स है अपर साइड में यहाँ पर रूफ में देखने को मिलेंगे दोनों साइड, जो कि आपको किसी भी गाड़ी में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एलईडी में लाइट्स अपर साइड में आपको मिल जाती हैं। और इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर दो आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं टाइप सी की, यहाँ पर आपका मोबाइल का स्टोरेज है यहाँ पर आप लोग रख पाएंगे। और इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर हम्प वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको प्लेन मिलेगा और यहाँ से आराम से बैठ के आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे 3 लोग अगर यहाँ पर बैठना चाहते हैं तो। और ये जो आपका सीट है यहाँ पर ये 60-40 स्प्लिट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ये कप होल्डर है, इसको ओपन करते हैं और ये आपको ब्लू फिनिश में मिल जाएगा, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और बाकी अगर आप लोग 6 सीटर लेंगे तो आपको बीच में स्पेस मिलेगा, आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको अभी हम लोग कर देते हैं क्लोज, बैक का पूरा व्यू है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, सॉफ्ट फोल्डिंग में आपको बोथ साइड में यहाँ पर मिल जाएगा, हुक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सारा प्रोफाइल है आपके सामने है। और जो बैक का स्पेस देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर आएगा बैक का, तो अभी बैक में चल के देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर कितना आपको कंफर्ट मिलेगा देखने को, वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले आप लोग बैक वाली सीट में, यहाँ पर देखेंगे स्पेस कितना आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये सीट है, इसको सीट को अभी मूव करेंगे, यहाँ पर आपको बटन मिलता है तो बटन टच करके आपका ये सीट अब फोल्ड हो जाएगी। इसको इस तरीके से देखिए जैसे बटन प्रेस करते हैं हम लोग और ये सीट है आपकी फोल्ड हो जाती है। इसके बाद जो है हमें बैक में जाने के लिए इजीली आपको स्पेस मिल जाता है। तो ये है सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और यहाँ पर अभी हम लोग बैठ के देखते हैं तो ये है देखिए यहाँ पर स्पेस, और इसके बाद इधर आपको बैठ के दिखाते हैं तो ये आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। बैक में सीट बच्चों के लिए होती है लेकिन यहाँ पर बड़े भी आराम से बैठ पाएंगे। और ये देखिए सीट जो है स्ट्रेट है, अभी इसको बेंड भी कर सकते हैं हम लोग, तो इतना अगर हम लोग बेंड कर सकते हैं इतना बेंड हो जाएगी। अब देखिएगा आप लोग तो यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत हमको नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पर बैक में बैठा हूँ और कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ के कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ये स्पेस आपको मिलता है। और टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है राइट साइड में आपको मिलता है, और लेफ्ट साइड में सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, कप होल्डर यहाँ पर स्पेस है और टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। तो सीट्स हैं इनको अगर दोनों को बेंड कर देंगे तो ईजिली आराम से यहाँ पर कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे। और बैक के लिए भी आपको 2 यहाँ पर देखिए एसी के वेंट्स है, रूफ में देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं अपर साइड में, और बैक में भी आपको लैंप लाइट मिल जाती है। तो 3 जगह मिलेगी, जो बैक वाली सीट है यहाँ पर, मिड वाली सीट में भी लाइट है, और आगे फ्रंट में भी आपको ठीक है। तो ये सारा कुछ है यहाँ पर आपको मिल जाता है गाड़ी में, गाड़ी है आपके सामने है और किया कैरेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है।
और किया कैरेंस आपके सामने है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके सामने है मिस्टर विकास जी, इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दे देंगे। तो आपको कैसा लगता है वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की कार वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।